सो हाय गाइस, व्हाट इज अप? फॉर सम ग्रेस दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये मेरे को वैसे तो कंफर्ट देता है, मेरे ख्याल से वैसे बुरा लगता है बालों का, क्योंकि सर मेरा पूरा ऊपर कर देता है। बाल बड़े होने का फायदा दिखता ही नहीं है, बाल खतरनाक लीन लग रहे मेरे, है ना? बाल खतरनाक हो गए तुम्हारा भाई के जो हुआ आता है, ठीक है? और बताओ भाई, सब बढ़िया, सब घर में ठीक ठाक? तो भाई आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह टाइम क्या हो रहा है दिखाता हूँ। 9 बज रहे भाई, पार्किंग में पत्थर लग रहा है, इसके बाद में गाड़ी जो है यहीं लगेंगी सारी की सारी पार्किंग में ही। ये पत्थर काम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही गंदी हुई पड़ी है हमारी पार्किंग इस टाइम पे भाई। ये पत्थर काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं अपनी गाड़ी जो है अंदर खड़ी होगी धुआंधार तरीके से, ठीक है? और ये लगभग एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि मैं बालों को और लंबा करूं या इतना छोड़ दूं। देखो और लंबा करूं या फिर इतना छोड़ दूं, क्योंकि मैं बाल क्या है इक्वल रखूंगा सारे, अगर छोटे भी रखूंगा या बिल्कुल बड़े भी रखूंगा, जैसे भी रखूंगा इक्वल रखने मैंने बाल साइड के। अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो इनको और इनको इक्वल करवा दूंगा, बिल्कुल अभी नहीं है पर इक्वल करवा दूंगा, क्योंकि बाल क्या ही इक्वल रखने हैं, ठीक है? तो पिछले मैं पीछे का भी बड़े कर रहा हूँ, आगे के भी, तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है? आइए हम अपना फ्रेश होने चल देंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी भी धुलवानी है, खुद भी रेडी होना है, फिर वहाँ भी जाना है। यार इतना जब काम आ जाता है ना तो मेरा मन करता है, क्या बोलते हैं, बाहर में जाए सो जाओ। आधे से प्लान जो है इस चीज़ पे कैंसिल कर देता हूँ कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे जैसे करा है मैं कर ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अपना चलते फ्रेश होने के लिए, उसके बाद अपना गाड़ी वॉश करवाएंगे और फिर चलेंगे, ठीक है ना? ब्रेकफास्ट करके तो मिलते हैं आपसे बाद में। देखो गाइस, अली ने रुला दिया मुझे, दिख रहा आंसू, इसने रुलाया मेरे को, इसने हंस रहा मेरे को रुला के। देखो अम्मी से बोलते ना मारेगी और तुझे, हंस रहा हो तो देखो गाइज, दिख रहा गाइज मेरी बूंद यहाँ से गई है, ये इसने रुलाया मेरे को, इसने तुम रुलाया ना? हाँ भी हाँ कर रहा, डरने लगता कैसे रुलाया? है डरा रहा तो मुझे, है ना? इसने लाइट बंद करके मुझे डराया, तो मेरे अच्छा लाइट बंद नहीं करी, थोड़ा तो झूठ बोल लेता है। तू भी तो झूठ बोल रहा है कि आवाज मारी, आवाज तो मारी ना तूने, मतलब मैं झूठ बोलूँ तो गलत, तू झूठ बोले तो सही। कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है, मेरी चप्पल ले जा रहा है गाइस, बहुत ही बदतमीज हो गया है। इधर आ अली, कल मैं सुना पहला, धीरे धीरे सुनाइए। बंदे और रसूल है, तो भाई हमारे अली पे तो पहला कलमा भी आता है, तुम पे कितने कलमे आते तुम बताओ? है भाई अली बोल, इंजो बताओ, तेज बोल, अरे तेरी। तो भाई मिलते हैं आज सुबह में, मुंह धुलानी है और गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं, गन्ने का जूस का मन कर रहा है, तेरा मन कर रहा है? तो बैठ जा नीचे, फिर राजीव चौधरी भी आ रहे हैं, उनसे बोली मैंने कि गन्ने का जूस भी आते हैं, इधर थोड़ी देर फ्रेश व्रेश होंगे फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, इतने थोड़ा पेट पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया जाता है ना मेरे को, मैं जल्दी उठता हूँ ना सुबह, तो हैवी नहीं मिल रहा, लाइट तो मिले पर कुछ तो मिले, देखते हैं जैसे आ जाएंगे अब तो। तो गाइस राजीव चौधरी भी आ गए, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, ए सी वे सी हो जाए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग,
इधर उधर नहीं, इधर गुड मॉर्निंग। तो वीडियो भाई गुड मॉर्निंग हो रही है और चाचा की डिमांड पे गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं। मेरा कोई मन नहीं था, ये तो चाचा ने बोली कि यार गन्ने का जूस पिला दे यार, बढ़िया से नहीं मिलता हो तो ठीक है जी पिला देंगे। गन्ने का जूस तो कौन सा पिएगा बताओ भाई, वही पिलाएंगे। अली तू कौन सा पिएगा? सॉरी गाइस इसको कट कर दे। चल रहे यही मिल जाएगा यार, मन सा कर रहा था गन्ने का तो मैं कि फोन करो तुम पे यार। चल रहे तुम तो कह रहे रेडी हो क्या? रेडी है बहुत बार देखा, कोई पहली बार थोड़ी, पर थोड़ा सस्पेंस रहने दिया करो। राजा यहाँ पे तुम बेल पत्थर भी मिल रहा है और ये क्या नाम है इसका मौसमी का मिल रहा है, तो बढ़िया रहता गर्मी। हाँ ठंडा रहता बॉडी के लिए। मन गन्ने का मेरा तो, अब मेरे मन से भी हो गए भाई जो बात है। कल फोन कर देना तुम की पड़ जाए बेल का जूस, तब चलेंगे बेल के लिए। डिस्पोजल में डिस्पोजल में पियेंगे क्योंकि किस लिए तो? बताना ऑडियंस को डिस्पोजल में क्यों पीना चाहिए। तो कहां से कुछ झूठा उठा चक्कर होता नहीं, क्यों चक्कर नहीं होता? हम तो खुला बोलते हैं व्लॉग है, असली चीज है, झूठे का चक्कर होता हम तो नहीं पीते। कौन कौन पी रहा है में? झूठे का चक्कर नहीं होता मगर ये इन्होंने सही से दो लीटर के। अच्छा ऐसे बोलना होता है व्लॉग में? तो कांच में गाइस झूठे का चक्कर नहीं होता पर हम पी नहीं रहे कांच में। भाई इसमें तो बड़ा कौन सा यार, कौन सा बड़ा? ये दोनों बड़े लग तो नहीं रहे यार। एक स्ट्रॉ दे दो इसके साथ तो। वो दे दो स्ट्रॉ उसके साथ। अली एक घूंट मार लो। हाँ एक घूंट मार लो अली, नहीं एक घूंट मार लो। इतना थोड़ी पड़ता है। ले अली पकड़, और गिर गया मत गाड़ी में बता रहा हूँ। गाड़ी में गिर गया भाई। ओ भाई सैड कमेंट कर दो, गाड़ी में गिर गया दोबारा गिर जाएगा भाई। थोड़ा कम भर लेते हम तो, एक गुड़ कम पी लेते भैंस की टांग। सैड कमेंट कर दो भाई। एफ एफ एफ। तो भाई अपने गन्ने के जूस की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई ठीक है। चाचा कैसा गन्ने का जूस? तारीफ मत करना मेरी, कोई कोलैबोरेशन नहीं है इससे। बहुत मीठा भाई सच में। बहुत मीठा है ना, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा ठीक है। अगली बार से कहीं और पी के आएंगे। ये तो ये अपने घर के यहीं पास में था झील चौक पे, तो यहीं पीने आना पड़ गया। और आप जाके रेडी हो ना। हाँ बताओ अगर तू आया हो उसे खाना कर दो, और उसे खाना ना खिलाना हो उसे एक बड़ा वाला गिलास गन्ने का पिला दो, पेट भर जाएगा। अपना भी खाना नहीं खाएगा। अच्छा जी ऐसे मामला है। तो भाई गन्ने का जूस पिलाओ, और ये मैं तुम्हें एक्चुअल बताऊँ सस्ता भी आता है ठीक है। अनार का मत पिला देना भूल से भी, फुल बड़ा पिलाओ। खाना सस्ता पड़ेगा, खाना सस्ता पड़ेगा। आली क्या कहना चाहेगा? अली तुम कैसा जूस लगा तुझे? ओह अली कह रहा हूँ। बता अली मुंह से बता कैसा लगा जूस? अच्छा अरे बुराई का। चलो गाने का जूस पी लिया। कपड़ा कपड़ा बहुत है साफ कपड़ा। हमने गन्ने का जूस पी लिया है भाई, और इनको पैसे दिए बगैर नहीं जाएंगे हम। क्या सोच रहे तुम, हम प्रैंक करें? ये पकड़ा दो बार कोड, वो खुले लिए किससे? किस लिए उससे मैंने। तो गाइस एक चलते गाड़ी में। खुले 50-50 के भी है। थोड़ा पानी डाली भाई आज तुमने कैसे? ले इसमें से ले ले रुको। और लेगा ली और लू? अरे तो यही ग्लास में पी लेता। ग्लास तुझे किसने दिया? मैंने तो भी तेज है ग्लास दिया इसको, थोड़ा सा बचा के अपने में डाल के फिर पी रहा तो कैसे लगे ना वीडियो में मैंने मांगा है। फिर मैं कह रहा हूँ ना कमेंट टाइप कर दो गाइस। चाचा फुल मतलब कि चिप चिप मेरे हाथ चिपके चिप चिप हो गया मामला गाइस। जैसे शीशा ऑफ करो चल रहे। लेट्स गो। और कुछ ले हल्का फुल्का?
कुछ भी नहीं, दलिया पिएगा यार, दलिया ही पीना चाहिए, दलिया की तासीर जो है ना खींच के। तो गाइस गन्ने का जूस जो हमने दिखाया ये खाली मन करा तो पिया है, आप छाछ पियो, दलिया पियो, दूध पियो, गर्मी गर्मी जी बस ठंड के दलिया पियो छाछ और दलिया, और उससे ज्यादा हेल्दी चीज है भी ना, मतलब दलिया में छाछ डाल के पियो हम दूध की जगह, और उससे ज्यादा हेल्दी चीज भी तो ना है, मजा ही अलग है, और पूरे दिन जो तासीर ठंडी रहेगी वो अलग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है आप लोगों के लिए, और बाकी ज्ञान कल, बाकी ज्ञान नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। ठीक है भैया, हवाबाजी कर रहे हैं अपने शर्ट से साफ कर रहे हैं, पैंट लोअर से भी साफ कर सकते थे, पर हवाबाजी होगी, अरे हवाबाजी कैसे होगी इसकी, तीन कैमरे की ऐसी बात, यहाँ पांच कैमरे है ना, ये लो लो भाई तो जरूरत की चीज है, जो मैं मेरे दिमाग कहता है ना, मेरा मन कहता है, रिक्वायरमेंट है हमारी, रिक्वायरमेंट ये जरूरत की चीज है हवाबाजी की। चलो ठीक है भाई, अब अपने घर चलते हैं, चाचा ने भी रेडी होना, मैंने भी रेडी होना, ठीक है ना, अली ने भी रेडी होना, ठीक है भाई, कर दे अली पिलवान। तो भाई अपना पहुंच गए दुकान पे अपने दोज में, टना। तो भाई यहाँ आए हैं, अपना शादी है दो तीन दिन लगातार, तो उसके लिए चाचा से कोट वगैरह लेने के लिए आया हूँ मैं। तो चाचा कोट दे तो बढ़िया बढ़िया से निकाल दिए, मैं कोट पहन के दिखाता हूँ, बताना कौन सा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, एक तो ये है सर, एक ये चाचा ही वीडियो बना रहे हैं यार, आज कोई है नहीं। चाचा से लेबर छुट्टी पे है, ऊपर पर ले लेना, मस्त कैसा लग रहा है, मस्त इसके साथ पैंट चलेगी, गोल्डन गोल्डन पैंट चलेगी इसके साथ, गोल्डन पैंट दे देना, प्यारी सी, मैं सब चेंज करके ना दिखाऊंगा, कोट कोट दिखाऊंगा खाली, और शर्ट इसके साथ व्हाइट भी ब्लैक भी, ग्रीन व्हाइट, व्हाइट भी और ब्लैक भी दोनों चल जाएंगे, व्हाइट भी और ब्लैक भी, चलो सब पड़ेगा। भाई साहब ऐसे तो ग्राहक मारेंगे हमें। उनका पता लगना, स्पेल ट्रैकिंग करवा रहा हूं तो। अपनी दुकान में फायदा क्या है? ना इंसाफी। एक ये है, हाँ एक ये है, धोखा है ये, धोखा। यहाँ पे शीशा, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, यूनिक, ये भी अच्छा है। और इसके साथ कौन सा आउटफिट चलेगा? ब्लैक, अंदर का ब्लैक, ब्लैक ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट और ग्रे पैंट और व्हाइट शर्ट भी, नहीं दो कॉम्बिनेशन है इसके। अच्छा मेरे, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है भाई, ये दो है, इसका बटन लगा के बोल दिया ठीक लग रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा मेरे को जैसे मेरा रिसेप्शन भी है और भी चीजें, मेरे कुर्ता पजामा एक, उसके लिए जवार कट वगैरह, मतलब उसके ऊपर क्या डालो, जवार कट ही चलता है, जवार कट ही चलता है उस पे। इनमें से ये रहे इतने सारे टंगे हुए हैं, ये सबसे प्यारा है, ये बढ़िया लगेगा, इसको डाल के देखो रात के फंक्शन के लिए अच्छा। वैसे पता है, वैसे इस चीज पे एक भी समझ नहीं आएगा जो चीज मैंने पहनी हुई है, ये टी शर्ट है ना, हाँ इसको ना एक भी कपड़ा समझ नहीं आएगा, पर मुझे आ रहा है, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ ना, रुक जा मैं तो आ जाऊँ पहले, हाँ पीछे तो आ जाऊँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अपना ये जो जवार कटे ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके लिए बहुत ही मतलब प्यारे कपड़े का कुर्ता पजामा सिलवाया मैंने अंकल से, अंकल है ना, हाँ जी मेरा हेयर बैंड डाल रहे हो। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये शर्ट पे और लोअर पे समझ नहीं आ रहा, बट मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि ये कैसा लगेगा मेरे ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि यू नो आई एम इन्फ्लुएंसर, मॉडल, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एवरीथिंग, और कसाई भी, और कसाई भी इन्फ्लुएंस। तो भाई यही लूंगा मैं तो, क्या टेस्ट है इसका, स्पाइसी, बढ़िया टेस्ट है,
टेस्ट तो अच्छा, गाँव के हिसाब से तो बहुत ठीक टेस्ट है इसका। अपने यहाँ कुछ मिल तो रहा नहीं है तो रोल और मोमोज ही मंगाए, और गांव का होने के बावजूद भी टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, बहुत ठीक टेस्ट है। गांव का, कहाँ का? गांव, गांव है भाई, कहाँ का? गांव का, गांव। अपना आप मैं निकल रहा हूँ शादी के लिए, और जो कोट दिखाया था थोड़ी देर पहले ये मैंने पहन लिया, ठीक है, और हवाबाजी भी कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो अब ये कोट दिखाता हूँ तुम्हें, आप देखो, हाँ देखो कोट कैसा लग रहा है कल, मतलब अभी थोड़ी देर पहले टी शर्ट पहना था समझ नहीं आ रहा था ना, आप देखो कोट कैसा लग रहा है। तो अब समझ आ रहा है ना, कोट आउटफिट के साथ ही मैच होता है कोट। एक तो मेरे को ये भी नहीं पता ना फॉर्मल में, मतलब फॉर्मल पहन के सूट वूट पहन के पोज कैसे करते हैं, क्योंकि इतना पहनने की आदत तो है नहीं नॉर्मली, तो कैसे पोज करना, तो कभी ऐसे हाथ कर रहा हूँ कभी ऐसे हाथ। शादी में जा रहे हैं चाचा में, ठीक है सर, ऐसे कर देता है सर। चाचा में शादी के लिए निकल रहे हैं आप, ठीक है, हम शादी में जाने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। बाल मुँह में आ रहे, बाल बहुत बड़े हो गए थे मेरे, ठीक है भाई। तो अब वहाँ पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it. पंद्रह एक बना रहा हूँ, ओहो सोहिल भाई अपनो भाई, हालत हो रही है बहुत ज्यादा टाइट, ठीक है, शादी हो गई कंप्लीट और टाइम क्या हो रहा है, 1:15 1:15 हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक हम यहाँ से गए नहीं है, लगभग पूरा गार्डन खाली हो गया, बस यहाँ जो है लेन देन जो चल रहा है इनका जो भी कुछ है, और असल में इसकी वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है। तो भाई तब के बाद अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और मैं टाइम दिखाता हूँ क्या हो रहा है गाड़ी में। 2:38 हो रहे हैं, और मैं सुबह का जगा हुआ हूँ, सुबह 4 बजे का, और अगर मैं 1.5 घंटे और जग जाता हूँ मैं 24 घंटे जगा हो जाऊँगा, ठीक है। और अब नींद आ भी नहीं रही, नींद मर गई मेरी, जैसे भूख मर जाती है ना टाइम पे खाना नहीं मिलता, तो जब नींद आएगी ना बहुत तेज भर के नींद आएगी। Hey guys, good morning. तो मैंने जो ब्लॉग बनाया हुआ था अपना वो परसों बनाया था, तो मैं उसको कल अपलोड कर नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे जहाँ मैं हूँ इस टाइम वहाँ इंटरनेट का इशू है बहुत ज़्यादा, तो मैं अपना जो ब्लॉग है वो मैं आज अपलोड करूँगा, तो ठीक है। तो मैंने जो कल आउटफिट पहने थे मैं उसके भी थोड़े सीन्स डाल देता हूँ, वो भी आप देख लेना आउटफिट, और उसको भी बताना वो भी कैसा लग रहा है, ठीक है ना। Turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my-
मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जो आउटफिट है ये मैं शो करूँगा, बिकॉज ये मेरी जो है कल की आउटफिट पहनी हुई है वो परसों की है। मैंने परसों ब्लॉग बना के रेडी कर दिया था, अब मैंने रीएडिट किया है इसके लिए, तो ब्लॉग आर्ट चल जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आज मैं अपने वहाँ पहुँच जाऊँ, तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।